नमस्कार एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ अनकंडीशनल ऑटो जिग्निशन। मैं हूं आपका होस्ट सैम। जिग्निशन का मकसद बेहद खास है। जी हाँ, ऑटोमोबाइल जगत से जुड़ी हर खबर आप तक लेकर आना, वो भी एक सरल लेकिन एंटरटेनिंग अंदाज में। और यही कोशिश हम करेंगे दिसंबर के इस पूरे महीने में। और दिसंबर का ये जो पहला हफ्ता है, वहां से हम तैयारी कर रहे हैं 2017 के स्वागत की। शुरुआत हम करेंगे 2017 में लॉन्च होने वाली SUVs के साथ, और साथ में हम आपको देंगे मारुति ब्रेजा की एक लॉन्ग टर्म रिव्यू। उसके बाद हम आपको बताएंगे दिसंबर के इस महीने में क्या मिल रहे हैं आपको डिस्काउंट। टाटा हेक्सा 2017 की शुरुआत शायद इसी SUV से होगी। जेस्ट और टियागो की सफलता के बाद अब हेक्सा से टाटा मोटर्स को काफी उम्मीदें हैं। हेक्सा एक 7-सीटर है जो कि देखने में कुछ हद तक आरिया जैसी लगेगी, लेकिन ये है बिल्कुल नई क्रॉसओवर या फिर यूं कहें SUV। डिजाइन और क्वालिटी के लिहाज से ये टाटा की अब तक की गाड़ियों से काफी बेहतर है। हेक्सा 7 और 6 सीटर ऑप्शन में उतारी जाएगी और इस कार की टक्कर होगी इनोवा क्रिस्टा और महिंद्रा XUV500 जैसी गाड़ियों से। इस क्रॉसओवर के कुल 6 वेरिएंट बाजार में उतारे जाएंगे और कीमत हो सकती है 13 से 18 लाख के बीच। केवल डीजल में उतारी जाने वाली इस गाड़ी में 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन 156 BHP की पावर जनरेट करता है, और आने वाले समय में ये क्रॉसओवर टाटा की फ्लैगशिप मॉडल भी बन सकती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन दिए गए हैं, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 4x4 का ऑप्शन भी दिया गया है जो कि हाई एंड लैंड रोवर से इंस्पायर्ड है। स्कोडा कॉडियाक है स्कोडा की SUV सेगमेंट में वापसी। कॉडियाक एक 7-सीटर SUV है जो 2017 की शुरुआत में भारत में लॉन्च हो सकती है। इस SUV की टक्कर होगी Hyundai Santa Fe, Honda CRV, Endeavor और Fortuner जैसी गाड़ियों के साथ। भारत में इसे दो इंजन ऑप्शंस के साथ उतारा जाएगा, 180 PS की 2 लीटर पेट्रोल इंजन और 150 PS वाले 2 लीटर के टर्बो डीजल इंजन के साथ। 7-स्पीड डुअल क्लच ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, और कीमत हो सकती है 25 से 30 लाख के बीच। यूवी सेगमेंट में इस वक्त सबसे ज्यादा विरोध देखी जा रही है। क्रेटा के खिलाफ रेनो 2017 में लेकर आ रहा है कैप्चर में बहुत कुछ लिया गया है डस्टर से। जी हाँ, वही कार जिसने भारत में एक नए कॉम्पैक्ट SUV के दौर की शुरुआत करी। कैप्चर में 1.6 लीटर के पेट्रोल और 1.5 लीटर के K9 के डीजल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। 2017 की दिवाली शायद रेनो बनाएगा कैप्चर लॉन्च के साथ। कुछ हद तक ये विदेशी मार्केट में मौजूद फोर्ड इको स्पोर्ट राइवल कैप्चर जैसी ही लगती है। ऑडी Q2 2017 में बन सकती है मोस्ट अफोर्डेबल प्रीमियम लग्जरी SUV। 2016 जिनेवा मोटर शो में इस गाड़ी को अनवील किया गया था। ये SUV 4 मीटर से थोड़ी लंबी है, लेकिन ऑडी लाइनअप में सबसे छोटी। 2017 के मध्य में इस कार को भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। इस SUV में ऑडी ने बिल्कुल नए डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, और दो इंजन ऑप्शन के साथ इसे उतारा जा सकता है। Q2 में 2 लीटर के TDI डीजल इंजन और 1.4 लीटर के TFSI पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कार को खास फर्स्ट टाइम लग्जरी बायर्स को ध्यान में रखकर उतारा जा रहा है। इस मोस्ट अफोर्डेबल ऑडी कार की कीमत 25 से 30 लाख के बीच हो सकती है। में जिस कंपनी पर सबसे ज्यादा SUV लवर्स की निगाहें थी,
वो थी जीप। जीप की भारत एंट्री स्टाइल में रही, लेकिन ग्रैंड शेरुकी और रैंगलर दोनों ही CBU होने के कारण ज्यादा वॉल्यूम ना जनरेट कर पाए। यानी असली कहानी शुरू होगी मेड इन इंडिया जीप कंपस के साथ। अगस्त के महीने में शायद इस SUV को लॉन्च किया जा सकता है। 20 से 25 लाख की कीमत वाली इस SUV का असली कंपटीशन होगा Hyundai Tucson, Honda CRV या फिर 2017 में ही लॉन्च होने वाली Skoda की Kodiaq के साथ। कंपस को फिएट के रंजनगांव प्लांट में तैयार किया जाएगा और फिएट के 2 लीटर के डीजल इंजन का इसमें होगा इस्तेमाल। ऑटोमेटिक मैनुअल दोनों गियर बॉक्स के साथ इस SUV में 4x4 का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। SUV की चाह रखने वालों के लिए जीप हमेशा से एक ड्रीम ब्रांड रहा है और उसके लिए भारत में भी दिख रहा है कुछ खास लगाव, यानी कि 2017 में इस गाड़ी पर रहेगी खास नजर। के ऑटो एक्सपो में दिखाई गई निसान एक्स ट्रेल हाइब्रिड 2017 की शुरुआत में लॉन्च की जाएगी। GTR के बाद निसान की भारत में अगली कार। इस SUV को भी CBU के रूप से भारत लाया जाएगा, यानी कि कीमत होगी ज्यादा, करीब 30 से 35 लाख। इस SUV में 2 लीटर का पेट्रोल इंजन 32 किलोवाट के इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेयर किया गया। निसान एक्सट्रेल के लिए भारत चौथा मार्केट होगा जहां इस कार को उतारा जाएगा। जर्मन कार मेकर फोक्सवैगन के लिए साल 2016 काफी मुश्किल भरा था, लेकिन फोक्सवैगन टिगुआन SUV के साथ साल 2017 हो सकता है नया। टिगुआन को फोक्सवैगन के MQB प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और CBU रूट से इसे भारत लाया जाएगा। केवल एक इंजन ऑप्शन के साथ इस SUV को शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा और कीमत होगी 25 से 30 लाख के बीच। लग्जरी कार मेकर्स BMW, Audi, Merc, Volvo सभी अपनी प्रीमियम SUVs को 2017 में भारत में लॉन्च करेंगे, लेकिन नजरें रहेंगी एक खास प्रीमियम लग्जरी SUV पर, Maserati Levante। 275 HP की पावर, 3 लीटर का V6 इंजन और 0 से 100 की किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने में 6.9 सेकंड का समय। ये है फुली लोडेड कार जो कि 2017 की शुरुआत में उतारी जाएगी। कीमत हो सकती है 25 करोड़। आखिरकार ये है इटालियन परफॉर्मेंस SUV। में किन SUVs या UVs पर नजर रहेगी ये हमने आपको बता दिया है, लेकिन ये भी जान लेते हैं क्योंकि दिसंबर का महीना है, साल खत्म होने का है और आज से इस पूरे महीने हम आपको हर सेगमेंट की उन गाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने खास अट्रैक्शन, खास वॉल्यूम और खास इंटरेस्ट जनरेट किया ऑटोमोबाइल लवर्स में। SUVs या UVs की बात कर रहे हैं और उसमें जगह बनाई मारुति की विटारा ब्रेजा ने। इस गाड़ी ने सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट किए हैं UV मार्केट में, या यूं कहें कि मारुति के UV मार्केट शेयर को 30% तक बढ़ा दिया है। इस गाड़ी का जो क्लोजेस्ट राइवल है वो है फोर्ड की EcoSport। किसी भी गाड़ी को चार पैमानों पर परखा जाता है, डिजाइन, प्रैक्टिकलिटी, राइड एंड हैंडलिंग और साथ में प्राइसिंग। हर मामले में मारुति की विटारा ब्रेजा ने मार्केट को चौंकाया है, मार्केट को खुश किया है। यकीनन मारुति का हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं एक प्राइस पॉइंट पर बनाया जाता है, हर चीज की एक कीमत होती है और वो आपको इस गाड़ी में भी नजर आएगा। कहीं जगह पर मारुति की तरफ से एक समझौता, ज्यादातर वो चीजें आपको इंटीरियर में देखने को मिलेंगी। लॉन्ग टर्म रिव्यू देने का हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि डे टू डे कम्युनिटी में गाड़ी किस तरीके से बिहेव करती है, वो भी जब आप एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जितना समय आप बिताते हैं आप गाड़ी की खूबी और खामी को समझ सकते हैं। जैसे कि हमने कहा कि खूबियां काफ़ी हैं विटारा ब्रेजा में मौजूद, लेकिन कुछ खामियां भी हैं। सबसे बड़ी खामी यही है कि ये जो गाड़ी है वो सिर्फ
डीजल इंजन में मौजूद है, 1.3 लीटर का जो ट्राइड एंड टेस्टेड वन ऑफ द बेस्ट डीजल इंजन का है, तो शायद गलत ना होगा। और अच्छी माइलेज है जो कि मिल रही है, क्लेम माइलेज 24 की है, लेकिन 17 से 18 की अच्छी माइलेज हमें डेली कम्यूटिंग में इस गाड़ी से हम एक्वायर कर पाए हैं। लेकिन पेट्रोल इंजन का ना होना ये एक बहुत बड़ी कमी है। इको स्पोर्ट जो इसका क्लोजेस्ट राइवल है, उसमें जिस तरह का एंगेजिंग ड्राइव आपको मिलता है, उस तरह का एंगेजिंग ड्राइव आपको इस गाड़ी में नहीं मिलेगा। दिस इज़ मोर ऑन द कम्फर्ट साइड। सस्पेंशन जो है, पहली बार मैं मारुति की किसी गाड़ी के लिए कहूँगा कि हर तरह की रोड्स के लिए बनाया गया है, जो कि काबिले तारीफ है। तीसरी चीज़ जो कमी हमें खाली वो ये कि इसमें ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स का ऑप्शन मौजूद नहीं है। एक अच्छा एडिशन हो सकता है विटारा ब्रेजा के लिए। आने वाले समय में 2017-18 में यही वो सेगमेंट है जिस पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। ह्यूंडई, टाटा मोटर्स, रेनो, सभी की तरफ से गाड़ियां आने वाली हैं। कार्लिनो, नेक्सन, रेनो कैप्चर, ये वो गाड़ियां होंगी जिन पर नजर रहेगी, क्योंकि उनका मुकाबला होगा विटारा की ब्रेजा के साथ।